4 घंटे 3.5 घंटे यहाँ पे लग गए, 3.5 घंटे ये एलोरा केव्स देखने में लग गए, तो 7.5 हो गए। अल्लाह 300 किलोमीटर और कवर कर सकता था, चलो जितना होता है उतना देखते हैं। स्टिल 1400 किलोमीटर्स टू गो, खतरनाक जाम है और बहुत लंबा जाम लग रहा है, तो आगे से कहीं से चलते हैं कहीं पे जाने के लिए। रास्ता ले रहा हूँ जो कोई भी नहीं लेता रास्ता, पर सबने यही कह रहे हैं, थोड़ा डरा तो रहे हैं कि भाई कोई हाथ वो दे तो भी रोकना नहीं है, चलते रहना है, रिस्क है थोड़ा सा, देखते हैं क्या करना है। घाट का इधर वाला रास्ता खुला रहता है कहते हैं, चलो देखते हैं। तो पूरा जंगल है मेरे भाई, पूरा जंगल में से अभी रास्ता जा रहा है, बहुत कम लोग आ रहे हैं और रोड भी बहुत ख़राब है, लेकिन ये है कि भाई कम से कम जाम नहीं है, थोड़ा लंबा भी होगा रास्ता तो भी ठीक है, चलता एटलीस्ट चलते तो रहेंगे, थोड़ा रिस्की बता रहे थे लोग, बस ठीक ठाक निकल जाए है ना। वैसे तो जंगल वालों का पहले एक वो है था, उन्होंने एक स्टॉप है, फिर उन्होंने देखा और जाने दिया, कुछ पूछा नहीं, बस सिर्फ देखा। लेट्स कीप गोइंग, लेट्स सी वेयर इट रीचेस। रास्ता थोड़ा ठीक आ गया है एकदम से, देखते हैं कहाँ तक सही जाता है। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, नया रास्ता ठीक लग रहा है, अभी भी जैसा भी है ठीक ही लग रहा है, ये अभी तो रास्ता ठीक है, वैसे पतला है बस रास्ता, तो अभी तक तो ठीक है। एक आध गाड़ी भी आई है, और नीचे देखो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे पहाड़ के नीचे लैंड दिख रही है पूरी, तो देखो प्लेट्यू से नीचे उतर रहे हैं, उधर प्लेट्यू था नीचे उतर रहे हैं। So we are entering Rajasthan. अभी हम एंटर करके राजस्थान चले हुए, थर्ड डे है, बीच में हमने कल काफ़ी देर 5-6 घंटे मतलब 2-3 घंटे तो वैसे और वैसे ओवरऑल 4-5 घंटे वहीं वेस्ट हो गए थे हमारे, औरंगाबाद के पास एलोरा में, और अब राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं। अभी 401 किलोमीटर राजस्थान में चलने पड़ेगा, फिर 400 हरियाणा में, देखते कब तक घर पहुँचते हैं। जयपुर पार कर रहे हैं, और एक रिवोल्ट वाला भाई, देखो रिवोल्टर, ग्रेट। स्टिल 473 किलोमीटर टू गो।
वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, घर पहुंच गए, घर घर पहुंच गए, वेलकम होम, ट्रिप कंप्लीट, वेलकम होम।